कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजियस रेसिपी एंड ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की खिचड़ी। बच्चों को हेल्दी भी रहेगा, मेरे बच्चों को भी पसंद है, आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाओ। आज इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी नहीं, पकाते पकाते सब इंग्रेडिएंट्स बोल दूंगी, थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक है? आ जाओ पकाते हैं। इस चम्मच से दो या तीन चम्मच रिफाइंड ऑयल, ठीक है? कितने हुए? चार हुए। चार हुए। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ बॉइल्ड एग भी है। हाँ, बॉइल्ड एग भी नहीं? हाँ करेक्ट आएगा। चार स्पून हुआ नहीं? हाँ। अब तेल को गर्म होने देते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए, दो तेज पत्ता हरी इलायची, दालचीनी, तेल तो अच्छा गर्म हो गया है। अभी एक प्याज, पतली पतली खड़ी प्याज काटना है, ठीक है? थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तेल में अच्छे से तल लेना है, ठीक है? अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए कितना काफी है, बहुत गोल्डन ब्राउन भी नहीं चाहिए, ठीक है? अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, एक स्पून भी नहीं, थोड़ा कम ही। मैं हाफ के जी का बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बना के, आजकल के बच्चियाँ हैं ना, उनको इजी भी हो जाएगा ये सीखने के लिए, है ना? अब जितना जितना क्वांटिटी मैं बोल रही हूँ उतना ही डालो, हाफ किलो चावल के लिए और एक कटोरी मूंग दाल। दिखाती हूँ मैं, देखो फ्रेंड्स, इतना अदरक लहसुन का पेस्ट तेल में तले जाना है, फिर हमें 100-150 ग्राम मूंग दाल, ठीक है? खिचड़ी में मूंग दाल ज़्यादा रहेगी तो अच्छी टेस्टी भी रहेगी, बच्चे बड़े सब अच्छे से खा सकते हैं, है ना फरहान? हाँ। मूंग दाल ज़्यादा रहना है, हाफ के जी के लिए। हाफ के चावल के लिए एक कटोरी या 100-150 ग्राम मूंग की दाल, कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, सीखने के लिए आपको इजी भी हो जाएगा। बनाकर खाइए फिर मुझे कमेंट कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कमेंट कीजिए, साथ साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है? देखो थोड़ा भून चुका है, अभी थोड़ा रोस्ट होना है, थोड़ी हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, ठीक है? अभी थोड़ा तेल में भून लेंगे, या आपकी भाषा तल लेंगे, मेरी भाषा तल लेंगे, है ना? देखो बॉइल्ड एग इसके साथ, मूंग दाल खिचड़ी के साथ बॉइल्ड एग, और पुदीने की चटनी भी बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी बनाते वक्त, ठीक है? अभी थोड़ा भुने जाना है। हाँ, अभी तो भुन चुकी है मूंग दाल, अभी एक मुट्ठी पुदीना। मूंग दाल खिचड़ी में मूंग दाल का भी पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स?
ज़रूर से आप बना के मुझे कमेंट करना, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी मैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हरी मिर्च, 6 हरी मिर्च बस, इतनी काफ़ी है। देखो ऐसा थोड़ा ऐसा काट के डालना। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर करना। अभी हो गया, देखो कलकल हो गया। अभी पानी, आपके चावल जितना आपको नरम होना है, नरम या अच्छा हरारा रहना है, तो आपके चावल कैसे हैं वैसा पानी डालो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, नमक तीखा पानी सब देख कर डालूँ आपके हिसाब से, ठीक है। स्वाद अनुसार नमक, ये हाफ किलो चावल थे इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बॉईल हो चुका है पानी, अभी हाफ किलो चावल है। आप घर पे कौन से चावल खाते हैं वो डाल लीजिएगा आपकी मर्जी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिखा रही हूँ, बहुत इजी है बोल रही हूँ, फिर से बोर मत होना। देखिए वहाँ बनाकर मुझे जरूर से कमेंट करना। अच्छा तो फ्रेंड्स देखो कितना खूबसूरत पक रहा है, खिचड़ी पक रही है। देखो मीडियम साइज का एक टमाटर, एक या दो इस वक्त पकने के वक्त डालना है। ठीक है, हाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें खुली पसंद है, चावल खुले खुले रहना है, इसलिए हमारे हस्बैंड को, अरे शोहर को ऐसी पसंद है। आप ये 1.5 लीटर पानी हुआ है, आप थोड़ा नरम खाना चाहते हैं तो 2 लीटर पानी डालो, करेक्ट आ जाएगा हाफ के जी चावल के लिए, ठीक है ना। अभी दम को छोड़ देते हैं, हो गया। सिम पे दम को छोड़ देते हैं 5 या 7 मिनट, चलो लास्ट 10 मिनट बस। अच्छा तो फ्रेंड्स देखो, हवा किधर से भी नहीं जाना है इसलिए मैं इसके लिए दम को ही ये रखी हूँ नैपकिन। 10 मिनट बाद मिलेंगे, दम हो जाने देते हैं, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स, चटनी के लिए थोड़ा गीला या सूखा नारियल दो भी चलेगा, थोड़ा नारियल, थोड़ी सी प्याज, 1/4 हरी मिर्च, थोड़ी इमली, लहसुन की कलियाँ और पुदीना, कोथमीर और पुदीना, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। अभी बताती हूँ डाल के, देखिए कट करके नारियल, हरी मिर्च, इमली, थोड़ी सी प्याज और लहसुन, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना, स्वाद अनुसार नमक, जार में पीस लेती हूँ, स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। थोड़ा पानी डाल के पीस लेती हूँ, चटनी रेडी कर लेती हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ी ऐसी दरदरी रहना चाहिए, तभी इसका टेस्ट है, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारा खिचड़ी रेडी हो गया, माशाल्लाह देखो दम भी हो गई, खिली खिली सी है ना। चलिए अभी फ्लेम को
बंद कर देते हैं, अब डिश आउट करते हैं। चलिए खिचड़ी बॉइल्ड एग बनाए, वाह वाह, कैसी लगी बोलो। हाँ खा के बताता हूँ, खा के बताता हूँ, आप भी खा के बताओ। बिस्मिल्लाह बोले, बिस्मिल्लाह इरहमान इरहीम। अच्छा खाओ तो सही, खा के बाद बोलो। घी डाले, सुपर है, क्या बात है, सुपर सुपर, वाह। अभी मैं दिखा बॉइल्ड एग चाहिए आपको। क्या क्या नाम? चुम्मेश्वरी। चुम्मेश्वरी अच्छा, चुम्मेश्वरी माशाल्लाह, माशाल्लाह बोलते, क्या बात है, चुम्मेश्वरी नहीं बोलते, ठीक है। जियो जियो गाइस, सब्सक्राइब बहुत बहुत ज्यादा करना, लाइक करना। किसके लिए? मम्मी के लिए। मम्मी के चैनल के लिए। हां वाह, और ज्यादा देखना भी, सब्सक्राइब सब करना। ठीक है ठीक है। वाह वाह, आप भी आ जाओ हमारे कैमरामैन, आ जाओ आप भी मेरे सब्सक्राइबर्स, आप भी आ जाओ खाएंगे, टेस्ट आपको भी, खा के बोलो। आप भी ट्राई करिए जरा, बहुत अच्छा है, सब बनाते देखना। और कमेंट भी करना, नहीं जरूर से कमेंट करना, बहुत ज्यादा कमेंट करना, कमेंट करते रहो, कमेंट का इंतजार। सही में माशाल्लाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग आइए खाते हैं, बिस्मिल्लाह करें, और सब लोग कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इनके लिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा शुक्रिया अदा कर रही हूं। जितने भी कर रहे हैं सबका शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप अच्छे अच्छे करते हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही बने रहिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना भी किए, जितने भी हैं मेरे सब्सक्राइबर, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।